हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शमा स्टोर एंड मेकअवर्स एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स फॉर नॉट बींग एक्टिव अराउंड द मंथ बट इनशाला अब से मैं कंसिस्टेंट रहूँगी अपने चैनल पर सो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर किया था पर्पल ऐप से इस प्रोडक्ट को बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी एंड ऑबवियसली अगर आपको मेरी डेली लाइफ के बारे में जानना है बिकॉज आई एम नॉट टू मच कंसिट असिस्टेंट मैं अपने जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसके स्टेटस पे इतना अपलोड नहीं करती हूँ मैं सिर्फ लिंक्स शेयर करती हूँ जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ सो so, बाकी अगर आपको कुछ भी देखना है सो so, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो मुझे कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली मेरे एफ अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं सेम नाम से है शमा स्टोर इंड मेकोवर्स मेरे चैनल को आप थोड़ेली चेक करेंगे तो आपको लिंक्स वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉनसून uh, तो चला गया है बट जो हमारे हेयर्स है वो काफ़ी ड्राई हो गए हैं स्किन के साथ साथ तो मैंने इस प्रोडक्ट को पर्पल से ऑर्डर किया था एंड फर्स्ट टाइम मैंने कुछ भी uh, इस ब्रांड को ऑर्डर किया है एंड दिस ब्रांड इज़ एल्ब्स गुडनेस ओके एंड इनका ये फ्रेंच पिंक क्ले पाउडर था uh, जो कि काफ़ी अमेजिंग था और इसकी जो नेट क्वांटिटी uh, थी वो मुझे 50 ग्राम रिसीव हुई थी एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है सो बिलो हंड्रेड रुपीज़ क्योंकि इसमें आपको ऑफ़र भी मिल जाता है एंड थ्री ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ थी अब इस पाउडर को मैंने दो तरह से यूज़ किया है एंड मैंने दो बार ही इसका हेयर मास्क बनाया था अलग अलग इंग्रीडियंट्स से एंड एक बार मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया था तो मैंने कैसे इसको यूज़ किया है, ये सारा कुछ मैं बताऊँगी उस टाइम आई वॉज नॉट वेल सो so मैंने नॉर्मली कैसे उसको मिक्स किया है बनाने के लिए मैंने नॉर्मल सा वो थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स का शूट कर लिया था वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी एंड अब मैं कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी ये काफ़ी अमेजिंग है और इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे लेकिन मैंने ये ट्राई किया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो आई थॉट कि मुझे रिव्यू शेयर करना चाहिए आप सबसे और अब इसमें सामने इन्होंने बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग करी हुई है ओके बहुत ही कन्वीनियंट है और ये पाउडरी फॉर्म में होता है पाउडर है ओके फ्रेंच पिंक क्ले एंड ये पिंक कलर का मर्चेंटा कलर का है एंड ये मस्टर्ड कलर की इसकी पैकेजिंग है ये पूरा सील्ड लॉक हो जाता है सो so, आप इसको बाद में भी कुछ अगर स्टोर करना हो तो आप कर सकते हैं नाउ समथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी ये हंड्रेड परसेंट प्योर और नेचुरल है केमिकल फ्री है पेस्टिसाइड फ्री है प्रिजर्वेटिव फ्री है इसमें कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है अब बिग थम्सअप टू दीज इंग्रेडिएंट्स एंड नेक्स्ट जो मुझे बहुत ही हीरो इंग्रेडिएंट लगा या हीरो क्वालिटी लगी इस प्रोडक्ट की दैट इज ये सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम फ्रांस ये फ्रांस से ही डायरेक्ट आया है फ्रेंच पिंक लेस का नाम भी है नेक्स्ट है ये पिंक ले जो है इसको अमेजिंग इसके बेनिफिट्स होते हैं ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने इसको हेयर्स पे भी अप्लाई किया था क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है टू मच मैंने uh, कलरिंग कराई है और इतना केमिकल ट्रीटमेंट्स uh, लिए हैं जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं तो मैंने उस पर भी इसको ट्राई किया था एंड द रिजल्ट आर अमेजिंग आईज एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट जो इसमें uh, इन्होंने अपनी क्वालिटी डिफाइन की है दैट इज कि ये जो फ्रेंच पेंट क्ले है इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लेंस करने के लिए दैट मीन्स क्लीन करने के लिए और डीटॉक्सीफाई करने के लिए स्किन को ओके okay? और ये जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है और ओवरऑल ये एक रिफ्रेश्ड अपियरेंस देता है ऑफ yes, ऑफकोर्स देता है एंड uh, इसमें आपको करना क्या है इन्होंने यहाँ पे यूजेज भी बताया है कि आपको एक टेबल स्पून लेना है बाउल में एंड थ्री टू फोर टेबल स्पून आपको वाटर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है फिर आप उसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं फेस मास्क ब्रश के थ्रू या आप फिंगर से भी कर सकते हैं फिफ्टीन टू टेन मिनट्स आपको ड्राई होना है देना है एंड जेंटली जो है आपको मसाज करते हुए उसको जो है आपको रिमूव कर लेना है ओके okay? फिर इन्होंने यहाँ पे एक रेसिपी भी छोटी सी दी हुई है जो भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर कर लेती हूँ कि एक बाउल में आप जो है टू स्पून ये एल्ब्स गुडनेस का फ्रेंच पिंक ले पाउडर ले सकते हैं और इसमें आप इनका एल्ब्स गुडनेस का हंड्रेड परसेंट प्योर रोज़ वाटर आता है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है सो आई कैनॉट रिकमेंड दैट लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया है और आप एक आ, टेबल स्पून योगेड यानी कि कर्ड ले सकते हैं और उसके बाद उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना के एक थिन लेयर आप फेस पर लगा सकते हैं ऑब्वियसली आपको टेंट फिफ्टीन मिनट्स वेट करना होगा देन उसके बाद जैसे ड्राई हो जाता है वार्म वाटर से इसको स्किन क, से अपनी रिमूव कर सकते हैं जिससे आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगा और ये एडवाइजेबल है कि आप ट्वाइस अ वीक यानी कि हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हो ऑब्वियसली आप केमिकल पीलिंग नहीं बट येस ऑफ कोर्स आप जो भी मास्क वगैरह है उसको ट्वाइस अ वीक आप ऑब्वियसली uh, अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें बताया है कि सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं तो ये कुछ लोगों को मे बी इरिटेट कर सकते हैं तो हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप एक पैच टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद ही अप्लाई करिए सो अभी जो मैंने जैसे अपना हेयर मास्क बनाया था और जैसे अपना फेस पैक बनाया था मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगी साथ ही साथ मैं आपको अपने हेयर्स दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि काफी हद तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया है सिंपल मैंने आज शैम्पू किया था कंडीशनर एंड थोड़ा सा सीरम लगा के मैंने मैं एक नया सीरम भी यूज़ कर रही हूँ वो भी अंडर अंडर हंड्रेड रुपीज़ है मैं भी एक दो बार और यूज़ करती हूँ फिर इनशाला उसका भी मैं रिव्यू अपने चैनल पर पोस्ट करूंगी तो मुझे अपने हेयर्स काफी ठीक लगे क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से ही इन्हें कवर कर Yes, रफ और, और ड्राई हो गए थे आपको लेना चाहिए सो येस आई हेव डन दैट एज वेल सो अब आप उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं वॉइस ओवर कर दूंगी कि मैंने क्या क्या उसमें एड किया है सो so गाइज़ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट से मैं ऑलरेडी आपको अवेयर करा चुकी हूँ और अब हमें कैसे अपना हेयर मास्क बनाना है तो आपको एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी का एक बाउल ले लेना है और आपको एक स्पून ले लेना है मिक्सिंग के लिए और आप कोई भी कर्ड ले सकते हैं टेन रुपीज़ का घर में जमाया हुआ ज्ञान पराग एनी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो हेयर लेंथ है उसके हिसाब से आपको पाउडर लेना है मैं ऑलरेडी हाफ़ यूज़ कर चुकी हूँ तो अभी मैं उस हिसाब से ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फेस मास्क बना के भी दिखाना है और ये मैंने कर्ट लिया है बट मैं पूरा ही कर्ट यूज़ करने वाली हूँ एंड ऑफ कोर्स मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है और इसके बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अपने बालों पर अप्लाई किया आप देख सकते हैं एंड येस आपको कोई पुराना सा कुर्ता पहनना होगा या आपको एप्रन लगानी होगी क्योंकि इसका जो कलर है वो आपकी ड्रेस पर अगर लग जाएगा तो वो नहीं जाएगा तो ये प्रिकॉशन मस्ट है जो आपको लेना पड़ेगा और ये मेरे आफ्टर हेयर वॉश के बाद की है ये ये हेयर कलर जो है ये तो मेरा नेचुरल है मगर आप देख सकते हैं कि काफी हद तक इसने कंट्रोल किया है ड्राइनेस मेरे हेयर्स की एंड अब मैं बना रही हूँ इसी का फेस मास्क तो उसके लिए मैंने अगेन कर्ड लिया है और जो भी पाउडर बचा था एल्ब्स गुडनेस का फ्रेंच पिंक क्ले का उसको मैंने लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैंने मिक्स करने के बाद ये फेस मास्क ब्रश से अपने फेस पे अप्लाई किया है काफ़ी अच्छा ग्लो है जो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं सो गाइज होप यू लाइक माई वीडियो एंड इसको मैं बताना चाहूँगी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ मैंने पैकेट संभाल के रखा था वीडियो शूट करने के लिए ये इस तरीके के पाउच में आता है ट्रांसपेरेंट और मैंने इसको ओपन करके पूरा यूज़ कर लिया था जितना आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से यूज़ करके इसमें रबर बैंड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं और फिर आप इसमें रख सकते हैं ये इसकी पैकेजिंग है सो so, मैं इसको शो करना चाहती थी एंड ऑफ कोर्स आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं अपनी स्किन के हिसाब से जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है लाइक like आप uh, वाइटमिन की कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं या अगर आपको और भी कुछ लगता है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा वर्क करता है तो आप उसे ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं एंड होप यू लाइक माई वीडियो एंड ये काफ़ी अच्छी रही क्योंकि आपकी जो हेयर केयर है वो ट्वाइस हो सकती है आ, मतलब दो बार हो सकती है हंड्रेड अंडर हंड्रेड रुपीज एंड दो बार आपकी स्किन केयर भी हो सकती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी सब कुछ नेचुरल है सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ इनशाला और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज आ, स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो मुझे बहुत सारे हॉल वीडियोज भी करने हैं सो डू सब्सक्राइब माई चैनल Please like, share, and comment. And if you have any doubts, any queries, let me know in the comment section below. Till then, take care, be safe, bye bye.